कश्मीर का आलमी शोहरत याफ्ता ट्यूलिप बाग कल सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। बहुत से सयाह इस इफ्तिताह का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर ने ट्यूलिप गार्डन जाने वाले रास्ते पर ट्रैफिक जाम से बचने के लिए एक मंसूबा तैयार किया है। तवक्को है कि रोजाना औसतन 15,000 से ज्यादा सयाह बाग की सैर करेंगे। टिकट ऑनलाइन दस्तियाब है, लेकिन बहुत से लोग ऑफलाइन भी टिकट खरीदते हैं। रंग बिरंगे फूल बाग का दिलकश मंजर पेश कर रहे हैं। न्यूज 18 बाग की आज तस्वीरें शेयर कर रहा है। कई लोग हैं जो एक झलक पाना चाहते हैं ट्यूलिप गार्डन की, दरवाजे पे आ रहे हैं लेकिन इनको इजाजत नहीं मिल रही है। बहुत एक्साइटमेंट हूँ हम। कल खुले ये आप अभी यहाँ से झांक रही थी, क्या देखना? बहुत अच्छा, मैं सुकून मिलता है ये देखकर। तो आप तो मतलब झांक के ही आपको सुकून मिलता है? देखने से क्या होगा, बढ़िया नजारा देखने को मिलेगा। उसी मुझ से आए थे लेकिन कल देखने को मिलेगा ऐसा, परसों आज आया हूँ, कल तक ही हूँ। आप एक दिन में? हाँ। वापस जा रहे हैं? वापस जा रहा हूँ। ट्यूलिप गार्डन कैसे देखेंगे फिर? कल तक रुकूंगा तो कल देखूंगा, आज आया हूँ तो आज दूसरा गार्डन देखूंगा। सोमवार से आप आ रहे हैं तो आपको हम अलाउ करेंगे टुवर्ड्स ट्यूलिप गार्डन और आगे जो टुवर्ड्स निशात। जो लोग निशात से कोशिश करेंगे आने के लिए टुवर्ड्स ट्यूलिप गार्डन, हम उनको वहाँ से छोड़ेंगे नहीं। तो अगर आपने आना है तो आपने वाया सोमवार वापस, जो लूप बनता है इसमें वाया फोर शोर आपने आना है वापस, तब जाके आप ये लूप बना सकते हैं। इसमें वन वे ना इस तरीके से बनेगा। अगर हम इसमें वन वे नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसमें कोई चांस नहीं है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे भी जा सकते हैं। आपने ये भी देखना कि निशात हो, शालीमार हो, हार, इस एरिया में अच्छे खासे लोग रहते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो मेजर पॉपुलेशन सेंटर्स हैं। बच्चे स्कूल वहाँ से आते हैं, काफ़ी सारे लोग जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो बिज़नेस करते हैं, तो उनका रेगुलर फीचर है वहाँ से टुवर्ड्स सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट आना। अगर इस पोर्शन में हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे वन वे तो इसमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, आप नॉर्मल में नहीं चल पाएंगे क्योंकि जो कैरेज विड्थ है वो बहुत कम हो गई है, क्योंकि काम चल रहा है पूरे बुलेवार्ड पे और फोर शोर रोड पे। इनफैक्ट एक जो ट्यूब है फोर शोर का वो ऑलमोस्ट क्लोज्ड है, उस पर आप नहीं चल पाते हैं। पिछले सालों ने देखा काफ़ी जैम पैक रहता है, काफ़ी जाम इस रोड पे रहता है, इसलिए ट्रैफिक की जो एडवाइजरी है वो साफ है कि लाल चौक की तरफ से या लाल चौक के जो दीगर इलाके हैं, जो लोग ट्यूलिप गार्डन आना चाहते हैं वो डल के रास्ते से बुलेवार्ड से होते हुए जाएंगे, या फिर दूसरा रास्ता एक है वो सोनवार से होते हुए यहाँ आएंगे मुड़ के। लेकिन जो लोग यहाँ निशात के हैं, जो लाल चौक जाना चाहते हैं, उनको वहीं से फोर शोर रोड से होते हुए घूम के लाल चौक जाना होगा। ट्यूलिप गार्डन भी अगर उनको आना है वो उसी रास्ते से तय होके वही रास्ता लेंगे और यहाँ पहुँचेंगे। उन लोगों के लिए जो यहाँ आना चाहते हैं सैर के लिए, ट्यूलिप गार्डन की सैर के लिए, ये रास्ते तय किए गए हैं। जहांगीर अजीज के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज 18 श्रीनगर।